प्रौद्योगिकी क्या है इसके संदर्भ में चर्चा करना है। यह एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है जो किसी देश के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। पुराने ज़माने में हल बैल के द्वारा खेती किया जाता था, लेकिन आधुनिक युग में ट्रैक्टर के द्वारा खेती किया जाता है जिससे कम समय लगता है। जैसा कि कहा जाता है कि पुराने ज़माने में उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, व्यक्ति बैलगाड़ी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे, लेकिन आधुनिक युग में जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा और आज हम किसी कार्य को सुगमतापूर्वक करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। जैसा कि औद्योगिक क्षेत्र में देखा गया कि बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाया जाता है, कम समय में अधिक उत्पादन किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान होता है और आने वाला समय में इससे और भी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। प्रौद्योगिकी के कारण आज हम वायुयान का प्रयोग करते हैं जिसमें बहुत कम समय लगता है। आज युद्ध में बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग कर युद्ध किया जाता है और ऐसा ऐसा मशीन बनाया गया है जिससे बहुत कम समय में किसी भी देश पर कब्जा किया जा सकता है। आज प्रौद्योगिकी के कारण नगरीकरण हुआ है और जो श्रमिक गांव में कार्य करते थे आज शहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन एक और लाभ है तो दूसरी ओर हानि है, क्योंकि गांव में जो छोटे छोटे उद्योग होते थे प्रौद्योगिकी के कारण आज धीरे धीरे बंद पड़े हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बड़े बड़े उद्योग को स्थापित किया जाए, लेकिन उन छोटे छोटे उद्योग को भी शुरू किया जाए जिससे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा और जो बेरोजगारी होगी कम होगी, तभी देश का कल्याण हो सकता है। इस तरह से कहा जाए तो प्रौद्योगिकी के कारण आज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, यही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।